गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, लेट्स सी अबाउट नेक्स्ट पेज नंबर 6 चैप्टर 1 रीड टू पेज नंबर 6 ओपन योर बुक पैराग्राफ लास्ट से पांचवा पैराग्राफ देख द मदर। तो अब क्या है जो डिपार्ट्स और ये जो क्रिएट्स जो कालू होता दोनों जब बाय करते तब जो बेरी की तरफ चले जाते उसके बाद क्या होगा। द मदर इंस्टिंक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग अवर यंग वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये जो यंग वन होता वो उसके सामने प्रोटेक्ट कर अलेगा। शी इज ऑलवेज रेडी टू फाइट अनटिल डेथ फॉर हर यंग वन। और लास्ट टाइम जब उसके साथ वो फाइट कर सेड राम सिंह। राम सिंह ने बोला कि लास्ट टाइम जब उसने फाइट किया यस यू आर राइट। सेड द मदर लविंगली लुकिंग एट द स्माइलिंग फेस ऑफ नीला मैन फादर। और उसके साथ उसने जब उसका आंसर दिया कि यस कि ये सब उसके साथ हुआ है सब, तो उसकी मदर और उसके जो बच्चे थे तो वो स्माइल के ऊपर जो फेस के ऊपर जो स्माइल जो थी वो दिखने को मिली। अरे मैं कंटिन्यू द यूज बियर थ्री टाइम्स द साइज ऑफ द मदर हिपर स्टू अप ऑन हिज हिंड लेग्स। हिंड लेग्स यानी बड़े बड़े जो जो पीछे वाले जो पैर होते हैं उसको हिंड लेग्स है। तो उस हिंड लेग के ऊपर वो चढ़ रहा है यूज बियर के ऊपर थ्री टाइम्स तो लिपार के ऊपर वो चढ़ जाता है। स्ट्रेंथ हाउ इज वीक पावर विथ स्ट्रॉन्ग नेल्स शार्प नेल्स के उसने उसका पैर जो था उसने खींचा बड़े बड़े पावर से और स्ट्रॉन्ग पावर से और उसके जो पैर के जो नेल्स जो थे वो भी बड़े बड़े इस सो इज थिन एंड ब्रॉड। और उसने क्या दिखाया उसका जो टीथ यानी जो दांत होते वो उसने दांत उसने दिखा और उसने क्या किया ग्राउल है उसने अपनी जो आवाज जो थी वो दिखा। द मदर स्नो डिपार्ट एट हिम फॉर सेकंड स्नाफ एंड विद ब्रीफ लोकेट डाउन द ब्लैक मॉन्स्टर। स्नाफ का मतलब होता है ये के अग्रेसिव ग्राउल बाते। तो ये जो डिपार्ट ज्यादा उसने अग्रेसिव होकर उसने अपने जो टेस्ट जो था उसने दांतों से उसने उसका जो बालू जो था उस बालू को उसने नीचे कर दिया और उसको उसके ऊपर चढ़ गया। ये जो मॉन्स्टर यानी जो ब्लैक बियर जो था जो बालू जो था उसके ऊपर चढ़ गया। ऑल मैन को विद द साउंड ऑफ दैट पार्ट और ऑल जो ये जो बेली जो थी जो माउंटेन और ये जो स्नो के बीच में जो वैली जो थी उसके बीच में जो आवाज आती थी वो आवाज ऐसी हो गई इकोटा। द स्नो लिपर्ड वाज स्विफ्ट एंड जंप अप फ्रॉम साइड टू साइड टेयरिंग अवे बाय बिग पीस ऑफ ब्लैक ड्यूरिंग स्किंग ऑफ द प्ले। तो ये जो स्विफ्ट एंड फास्ट क्विक तो ये जो जो लिपर्ड और जो बियर जो था वो स्विफ्ट फास्ट क्विकली वो एक दूसरे के ऊपर वो फाइट कर रहे हैं और तुरंत ही वो बेरी की तरफ वो जा रहे हैं। द बल्की एंड स्लो बियर फेयर एंड मिंजर इज जर्निंग द फाइट लास्ट फॉर अबाउट 10। और ये जो बालू जो होता है एनिमी जो उसका जो दुश्मन जो होता है एनिमी यानी दुश्मन तो उसका जो दुश्मन जो होता है कौन था ये बालू वो फेयर रह जाते हैं और लास्ट टाइम दिन तक उसकी फायर द बियर वाज ब्लीडिंग फॉर हियर एंड देयर व्हेनेवर द लिपार्ड अटैक द बियर लिफ्टेड हिज ह्यूज पाव टू कवर हिज फेस। तो ये जो बियर जो था वो उसके बॉडी के ऊपर क्या हो गया उसका जो ब्लड जो था वो ब्लड निकल रहा और वो ये जो लिपार्ड जो था वो अटैक जब करता था तो लिपार्ड क्या सामने जो भी बालू जो थे वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको बचाने के लिए अपनी बॉडी को बचाने के लिए वो अपना जो पाव जो होता बड़े बड़े पाव वो उसके सामने करता।
The bear was now trying to escape to save his life. और ये जो बियर था वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए क्या करते हैं, स्केप यानी लैब उसी जगह को छोड़ के वो चला गया। दे बोथ मूव फर्दर एंड फर्दर टिल दे डिसअपीयर डाउन टू ह्यूज माउंटेन। और दोनों वे उसके साथ जब डिसअपीयर हो जाते हैं यानी कहीं भी जगह पे गुम हो जाते हैं और वो चले जाते हैं, और ये जो बड़े माउंटेन जो बड़ी बड़ी जो पहाड़ी थे उसके पीछे वो चले जाते हैं। I could not see them for a while, but I could hear the goals and snarls. मैंने उसकी तरफ नहीं देखा लेकिन उसकी जो घोरने की जो आवाज आ रही थी वो सुनाई दे। Then the wind was calm and quiet once again. फिर से ये जो माउंटेन की जो रेली थी वो बहुत ही शांत और पीसफुल हो गई। The mother reappeared and ran up for और फिर से ये जो मदर जो थी रिकॉर्ड जो मदर थी वो फिर से वो देख रहे और वो किसकी तरफ जा रही है, उसके जो बच्चे जो पप्स जो थे उसकी तरफ वो जा रहा है। She smelled and leaped from them and over again to make sure that they were not hurt by the और वो ये पप्स जो थे उसको वो क्या कर रहे थे, लीक यानी चाटना, तो उसकी तरफ वो चाटती है उसकी बॉडी को, पप्स की बॉडी को, कई जगह पे उसकी बॉडी को पप्स की बॉडी को कहीं इंजर तो नहीं हुई वो सेवा कर, तो उसकी बॉडी को वो देख रहे। देन द देयर थ्री इन क्लाइम ऑफ द माउंटेन एंड रीच अप और ये जो थ्री बच्चे हैं जो पप्स को वो देख रहे और वो माउंटेन की तरफ वो प्लान करते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं, कई जगह से गुम हो जाते हैं। यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी डिलाइट सेड नीला और नीला जो तो पीछे कृष्ण करते हैं कि आपको उसके कारण आपको डिलाई हो जाता है आपको राहत मिली होगी कि वो चले गए, तो उसकी बात को बता रहे तो उसकी बात को बता रहे कि आपको डिलाइट मिला। फाइव I stayed in that position for some more time and watched the family disappear in the woods, waving their tails. I also waved my hand and said, "So, ये जो हरी भाई जो था वो अपनी position के अंदर खड़े हैं, तो उसकी वो बात करे और उसकी family की तरफ वो देख रहे हैं और हरी भाई वो आगे कुछ और वो free करने के लिए अपनी बात करता है। तो उसी जंगल के अंदर वो क्या देख रहे थे जब वो ये जो डिसअपीयर हो जाते हैं यानी सब एनिमल जो होते दोनों बालू और जो पाल जब वो गुम हो जाते हैं तो उसके कारण क्या करते हैं कि जो हरी भाई है वो अपना जो हाथ हिला विविंग इज टेल्स यानी जो एनिमल जो होता है अपनी पूछ जो होती है वो पूछ हिलाते वो चले जाते हैं और हरी भाई अपने हाथों को भी हिला के उसको बाय है। तो ये जो स्टोरी हो उसके लास्ट में एंड कर रहे और लास्ट में क्या हुआ, बट व्हाट हैपेंड टू द बियर आस्क अर्जुन टू गो, लेकिन लास्ट में जो अर्जुन था वो पीछे क्वेश्चन करता है कि वो बालू का क्या है, वो लास्ट में क्वेश्चन करता है गॉड नो वो अली भाई ने बताया कि वो तो भगवान जानते कि उसके साथ क्या हुआ। All I know is that the coming of the bear was a blessing for me because it really saved me. तो अली भाई वो बताते हैं कि भगवान का जो बात है करता है कि भगवान ने मुझे बचा लिया, क्यों भगवान ने बचा लिया क्योंकि ये वो लिपाड़ जो वो मेरी तरफ आ रहा था लेकिन दूसरी तरफ से तुरंत ही जो बालू आया था उसके कारण मेरी लाइफ जो है वो बच गई क्योंकि लिपाड़ उसकी तरफ आ रहा था जो बालू की जब आवाज सुनते हैं तो उसके कारण वो उसके कब्ज को बचाने के लिए वो बालू के सामने फाइट करता है, तो उसके कारण वो बोलता है कि गॉड ने मेरी लाइफ को बचा लिया। एट टाइम्स गॉड फॉर सेविंग द कब्ज एंड मी और उसने उस भगवान को आभार थैंक्स बोलते हैं कि थैंक्स फॉर गॉड ही सेव माय लाइफ एंड आल्सो कब्ज दोनों की लाइफ उसने बचाई
उसके लिए वो आभार जाता है। तो आई होप कि आपको ये जो स्टोरी थी वो समझ में आई होगी कि वायर से हेल्प हुआ बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं उन्हें से सेवियर ये अपनी खुद की लाइफ बचाए। तो अली भाई जो तो अपनी स्टोरी को यहाँ पे एंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई होप आपको ये जो स्टोरी थी वो समझ में आई। पेज नंबर 8 के ऊपर देखिए जहाँ पे ट्रू और फॉल्स रखा है बुक के अंदर पेज नंबर 8 पर ये जो C238 फर्स्ट तो जो ट्रू और फॉल्स है वो हम देखें तो आप बुक के अंदर ट्रू और फॉल्स लिखना। आई रीड द सेंटेंस एंड गिव द आंसर। व्हेन एनीबॉडी हियर्स सम फैंट ग्रोल्स इट थॉट इट वाज स्लो। ये जो सेंटेंस है वो फॉल्स है। ओके सेकंड एज द फैमिली मेंबर इंसिस्टेड अ लॉट अली भाई डिसाइड टू स्टे विद देम लॉन्ग टर्म। ओके तो ये जो सेंटेंस है वो तो वो अली भाई को क्या वो उसकी फैमिली के साथ रहते हैं। इसकी फैमिली राम सिंह की फैमिली के साथ रहते हैं। राम सिंह थॉट दैट द मदर इन सिक इज गुड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द यंग वंस। ये सेंटेंस जो है वो फॉल्स। नेक्स्ट द मदर आई डिपार्ट रिफ्रेश ऑन लव एंड केयर बाय टेकिंग एंड स्मेलिंग द यंग पप्स। ये भी सेंटेंस सही है क्योंकि वो जो डिपार्ट है वो पप्स के साथ स्मेलिंग बर्ड्स को क्या करती है लेक करती है उसके साथ चाट में रखती है और उसको स्मेलिंग करती है। तो ये सेंटेंस ट्रू। नेक्स्ट द मदर लिपार्ड वाज स्वेप्ट अदरवाइज शी वुड हैव वॉन द फाइट विद द डियर। तो ये जो मदर जो थी वो भी उसके साथ फाइट करती है तो वो सेंटेंस गलत फाइट फॉल्स। ओके हार्डली एट द बियर अपीयर। तो ये जो लास्ट का सेंटेंस है उसमें तो लिपार्ड स्वेप्ट नहीं होता कौन स्वेप्ट होता है वाल। लास्ट Hardly had the beers appear when Ali Bhai sleep and fell down. ये भी सेंटेंस गलत है। ओके तो कौन गिर जाते हैं अली भाई स्लीप नहीं हो जाते क्योंकि ये जो दोनों जो थे वो बियर और ये जो लिपार है वो दोनों स्लीप होते हैं। तो ये जो सेंटेंस जो था आपने देखा ट्रू और फॉल्स तो आप मेंशन कर देना नोटबुक में और बुक में भी कि मैंने जो बताया ट्रू और फॉल्स फर्स्ट क्या था फॉल्स सेकंड ट्रू सेकंड थर्ड फॉल्स और ट्रू है फिफ्थ जो है फॉल्स है और लास्ट जो है वो भी फॉल्स है। ओके कि आप आई होप आर यू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स एंड वर्ड्स एंड स्टोरी। थैंक यू।